हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा नेटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूं। इस डिज़ाइन को हम लेडीज स्वेटर, लेडीज कोटी, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 16 के मल्टीपल से प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और हमारी डिज़ाइन 16 सिलाइयों में 16 रॉज में बनकर कम्प्लीट हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 35 फंदे लिए हैं, 16 के मल्टीपल से 32 प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा। हाँ फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे रॉ वन राइट साइड। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। दो फंदे स्लिप करेंगे और इस तरह से सिलाई डालेंगे और पीछे की तरफ से देखिए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। फिर से देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे, एक दो, और बिल्कुल इस तरह सिलाई डालते हुए देखिए दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से बैक लूप से, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। यही हमने चार बार रिपीट करना है। देखिए, एक बार हो गया, जाली डाला दो बार, अब फिर से दो फंदे स्लिप करेंगे, एक दो, इस तरह सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक फंदा करेंगे, तीन बार हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, एक दो, और देखिए इस तरह सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से और धागा अपनी तरफ कर लेंगे, जाली डालेंगे चार बार। ये हमारा चार बार हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम आठ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे सीधे बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में एक फंदा एच स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे और देखिए इस तरह सिलाई डालेंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। फिर से दो फंदे स्लिप करेंगे और इस तरह सिलाई डालते हुए पीछे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, दो बार हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे और इस तरह सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, तीन बार हो गया, एक दो, दो फंदे स्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। तो हमारा चार बार हो गया। आठ फंदे सीधे बनाएंगे, तो धागा हमारी तरफ है क्योंकि हमने जाली डाला है यहाँ पर, और अब आठ फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो देखिए, यहाँ पर हमारी दो डिज़ाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचेंगे, तो इन दो फंदों को हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रॉ राइट साइड से कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ, दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, देखिए अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो फंदे सीधे बनाए थे उनको हमने रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनना है। तो देखिए, धागा पीछे किया, अब यहाँ पर हम नौ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे सीधे बनाएं। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो जाली वाला फंदा है यहाँ से लेकर देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये जो जाली वाला है यहाँ तक हम उल्टे फंदे बनाएंगे, ये सात, सात फंदे हमने उल्टे बनाए। तो देखिए फ्रेंड्स, एच स्टिच छोड़ के हमने यहीं 16 फंदे रिपीट करते जाना है। फिर से धागा पीछे करेंगे, नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच
छः सात, सात फंदे उल्टे बनाएंगे। अब दो फंदे बचे हैं, धागा पीछे करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्टिच रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सेकंड रॉ दूसरी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ तीसरी सिलाई राइट साइड से। तो थर्ड रॉ को हमने सेम फर्स्ट रॉ की तरह बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड रॉ फिफ्थ रॉ और सेवन्थ रॉ यानी कि तीसरी पाँचवीं और सातवीं सिलाई को हम फर्स्ट रॉ की तरह बनाएंगे और चौथी छठवीं और आठवीं सिलाई को हम सेकेंड रॉ की तरह बनाएंगे। तो इसके बाद हम देखिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए दो फंदे स्लिप करेंगे, इस तरह सिलाई डालेंगे पीछे की तरफ से दो फंदों का, एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाई डालेंगे। एक बार हो गया, फिर से देखिए दो फंदे स्लिप करेंगे, इस तरह से बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाई डालेंगे। दो बार दो फंदे स्लिप करेंगे, इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाई डालेंगे। तीन बार दो फंदे स्लिप करेंगे और इस तरह सिलाई डालते हुए पीछे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाई डालेंगे। तो ये हमारा चार बार हो चुका है। अब देखिए आठ फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाने हैं। देखिए धागा हमारी तरफ रहेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे सीधे बनाए। अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए दो फंदे स्लिप करेंगे, एक दो, और इस तरह से यानी कि पीछे की तरफ से बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। दो फंदों का फिर से देखिए इस तरह से स्लिप करके पीछे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। फिर से देखिए इस तरह स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से। ये देखिए तीन बार हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से यानी कि बैक लूप से, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आठ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे, इन दो फंदों को सीधा बना लेंगे। तो देखिए हमारी थर्ड रॉ कंप्लीट हुई, ये हमने सेम फर्स्ट रॉ की तरह बनाई है। तो अब हम बनाएंगे फोर्थ रॉ, फोर्थ रॉ को हम सेकेंड रॉ की तरह बनाएंगे, फिफ्थ रॉ और सेवन्थ रॉ को फर्स्ट रॉ की तरह बनाएंगे, सिक्स्थ रॉ एट रॉ को हम सेकेंड रॉ की तरह बनाकर हम एट रॉ तक बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आठ सिलाइयाँ एट रॉ कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ को तीन बार रिपीट किया है, देखिए इस तरह से यहाँ पर। अब हम बनाएंगे नाइन्थ रॉ राइट साइड से। तो देखिए हमने कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न रिपीट और शिफ्ट होगा, ये जाली वाला डिजाइन यहाँ पर बनेगा और ये उल्टे फंदे यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ पर हम एक फंदे सीधे बनाएंगे। पहले हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद डिजाइन बनाया था, लेकिन अब हम एक फंदा और सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हम आठ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे सीधे बनाए। अब नेक्स्ट आठ फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए एक दो, दो फंदे स्लिप करेंगे और इस तरह सिलाई डालेंगे। देखिए दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। अब हमने यहीं चार बार रिपीट करना है। तो एक बार हो गया, फिर से देखिए एक दो, दो फंदों को स्लिप करेंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। दो बार देखिए एक दो, इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। चार बार हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। देखिए दो चार छः आठ, आठ फंदे सीधे बनाए। देखिए दो फंदों का एक फंदा करेंगे, जाली डालेंगे, यही हमने चार बार रिपीट करना है। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, देखिए दो फंदों का एक फंदा किया, जाली डाला। तीन बार दो फंदों का एक फंदा किया, जाली डाला। चार बार, अब देखिए
यहीं रिपीट करना है। फिर से देखिए, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः छः सात आठ, इस तरह से। अब फिर से देखिए, दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, बैक लूप से जाल डालेंगे धागा अपनी तरफ करके, फिर से दो फंदों का एक फंदा और इस तरह से देखिए पीछे की तरफ से, और धागा अपनी तरफ करेंगे जाल डालेंगे, दो बार हो गया। दो फंदे स्लिप करेंगे पीछे की तरफ से, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे जाल डालेंगे, तीन बार हो गया। इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, स्लिप करने के बाद बैक लूप से धागा अपनी तरफ करेंगे जाल डालेंगे, तो लास्ट में एक फंदा बचा है, इस एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 10th रो 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अब हम नौ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का दो फंदा छोड़ के हमने यही 16 फंदे रिपीट करने हैं, दो चार छः सात, सात फंदे उल्टे, दो चार छः आठ नौ, नौ फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे सीधे बनाए। तो यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में स्टिच बचा है, धागा अपनी तरफ करेंगे और रॉन्ग साइड से स्टिच को उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 10th रो कंप्लीट हुई। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 9th रो और 10th रो को तीन बार और रिपीट करना है, यानी कि हमने 11th रो 13th रो 15th रो को सेम 9th रो की तरह बनाना है, और 12th रो 14th रो 16th रो यानी कि 12वीं 14वीं और 16वीं सिलाई को हमने 10th रो यानी कि 10वीं सिलाई की तरह बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा ये पैटर्न ओवर हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम इन्हीं 16 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।